आज हम बात करेंगे गौहरी को ठीक करने के बारे में। गौहरी को अंजनहारी या फिर आंखों की पलकों पर फुंसी हो जाना भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्टाई कहते हैं। यह आंखों की पलकों पर हो जाने वाली एक बीमारी है जिसको कि जो कि अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ भी हो सकती है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे गौहरी कहते हैं। तो आज हम इसी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं जिनसे कि हम ये समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत जल्दी इससे आराम हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या होती है स्टाई। यह एक इन्फेक्शन होता है जो कि आँख की ऊपरी या निचली पलक पर हो जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें, और यह ज़्यादातर जो ऊपर की पलक है वहाँ पर हो जाया करती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पलकों को झपकाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार आँख में जलन होती है या खुजली होती है और कई बार यह पक जाती है जिससे कि आपको तेज़ रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। आँखों में भी सूजन आ जाती है। अक्सर यह समस्या धूल मिट्टी से जो फैलने वाले कीटाणु हैं उनके कारण होती है, लेकिन कुछ अन्य इसके कारण भी होते हैं जैसे कि तनाव या हार्मोनल इम्बेलेंस, या फिर जो लोग अपने जेनाइटल्स को सही से वॉश नहीं करते हैं, सही से सफाई नहीं रखते, उनमें भी बार बार अंजनहारी या गौहरी हो जाया करती है। आँखों में दर्द होने के कारण पानी भी निकलने लगता है। इसका इलाज दोस्तों हम अगर घर पे ही करें तो बहुत जल्दी इसमें आराम हो जाता है। तो दोस्तों इसके इलाज से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें आँखों की जो फुंसी होती है उसको कभी भी मसलना नहीं चाहिए, फुंसी को फोड़ना नहीं चाहिए, ना ही उसको जो पस है उसमें उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम फोड़ेंगे उसको या पस निकालेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा हो जाएगा और जिससे कि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों आँखों में फुंसी होती है और आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज अवॉइड करना है, इसकी बजाय आपको चश्मे से काम लेना है। दोस्तों अगर आप इसको मेकअप से छुपाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेकअप से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अब इसके घरेलू उपाय कि घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती है गौहरी को ठीक करने में। तो दोस्तों गर्म पानी, सबसे पहले पानी को गर्म कर लेना है और उसमें क्या करना है, उसमें सूती कपड़े को भिगोकर उस कपड़े से उसकी सिकाई करनी है और दिन में कम 3 से 4 बार ऐसा करना है जिससे कि गौहरी जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या करना है, ग्रीन टी को एक ग्लास पानी में ग्रीन टी को या एक आधे कप पानी में ग्रीन टी को उबाल लेना है और उसको 5 मिनट तक लगाना है गौहरी पर और फिर उसको वॉश कर लेना है, धुल लेना है। आप देखेंगे कि 2 दिन में आपकी गौहरी ठीक हो जाती है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों हल्दी। दोस्तों हल्दी हमारे रसोई घर में, हमारे किचन में सभी के यहाँ अवेलेबल है और यह बहुत सारी बीमारियों में हमारे काम आती है। तो दोस्तों इसे कैसे इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच हल्दी को 1 ग्लास गर्म पानी में उबाल लेना है और उस पानी को उसको लगाना है आँखों पे जो फुंसियाँ हो रही है उस पर लगाना है। दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी गौहरी ठीक हो गई है। नेक्स्ट चीज़ आती है एलोवेरा जेल। यह भी गौहरी को ठीक करने में बहुत काफ़ी मदद करता है। इसके जेल को आँखों पर लगाना है, 10 मिनट के लिए लगाना है और 10 मिनट बाद साफ पानी से धुल लेना है। यह इन्फेक्शन को रोकने में बहुत मदद करता है। दोस्तों तीसरी चीज़ आती है अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते को दोस्तों पानी में उबाल लेना है और उन पत्तों से आँखों की सिकाई करनी है जिस भी आँख में गौहरी हो रही है। तो दोस्तों यह थी गौहरी के इलाज की कुछ घरेलू दवाइयाँ। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।